अब छोड़िए भाई, व्यक्ति का नाम मत लीजिए, जिसका नाम लिए हैं उसका तो एक फैशन हो गया है। अब देखिए, ये कोई बाहुबली है बिहार के अंदर, एक बाहुबली है कोई बिहार के अंदर जो हर विषय पर बोलते हैं। अब उन्होंने बोला, अब सिक्योरिटी मांगने लगे। तो आज दीपावली का दिन है, मैं सरकार से आवेदन, सरकार से आग्रह करता हूं कि चाहे कोई बाहुबली हो, चाहे कोई धर्मगुरु हो, चाहे कोई नेता हो, या किसी जात का लीडर हो, या किसी मजहब का लीडर हो, देश के खिलाफ जिसके वक्तव्य से समाज में नफरत फैलती हो, जिसके वक्तव्य से जातियों में द्वेष पैदा होता हो, जिसके वक्तव्य से दो संप्रदायों में दूरी पैदा होती है, यानी देश और समाज में जो विग्रह पैदा करने वाले वक्तव्य हैं, ऐसे लोगों को सरकार को सुरक्षा नहीं देनी चाहिए। क्योंकि एक फैशन हो गया है, किसी बड़े आदमी का नाम लो, बड़े आदमी को गाली दो, किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल को गाली दो, राष्ट्रीय क्रिमिनल को गाली दो, किसी मजहब को गाली दो, किसी जात को गाली दो, और सरकारी सुरक्षा लेकर घूमो। हमारी बहुत दिनों से ये मांग है और आज भी मांग है कि अगर हम किसी समाज की निंदा करते हैं, किसी मजहब की निंदा करते हैं, तो हम व्यक्तिगत कैपेसिटी में करते हैं, तो हमको सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए, ये कानून होना चाहिए। क्योंकि एक फैशन हो गया है, ये बयान देख रही है सुरक्षा मांगो। अब बहुत बड़े बाहुबली हैं, 3-4 क्विंटल का वजन है उनका, अब मांगने लगे सुरक्षा। क्यों क्यों बयान दिए आप? बिना बयान दिए आपका काम नहीं चलता। अब कोई इनाम घोषित कर रहा है, अब आज कोई इनाम घोषित करेंगे कि हम किसी का सर काटने का 1 करोड़ देंगे, 1.5 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे, 5 करोड़ देंगे, दूसरे दिन सुरक्षा मांगेंगे। आप कौन होते हैं इनाम घोषित करने वाले? किसी के खिलाफ भी इनाम घोषित करने वाले आप कौन होते हैं? किसी का सर काट लाओ, किसी का पैर काट लाओ, किसी का मैं काट लाऊंगा, वह कौन आप? और अगर दिया है तो झेलो। एक तरफ तो कहते हैं कि सुरक्षा हमको चाहिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं, ऊपर से जट से नहीं सुरक्षा मांग रहे। देखिए, मेरा व्यक्ति से नहीं है, मैं देश के हर उस व्यक्ति की बात करता हूं जो किसी समाज के खिलाफ, किसी जात के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ जो टिप्पणी करता है, गलत टिप्पणी करता है, उसको सीधा कानून होना चाहिए कि उनको जीवन में कभी सरकारी सुरक्षा ना मिले। मेरी कुश्ती से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, अल्बानिया में जिस तरह भारत ने पदक जीते हैं, क्या लगता है कुश्ती की दिशा अब भारत में किस तरफ जा रही है? और अब सवाल ये भी उठ रहा है कि दिनेश का अब ऑप्शन भी आ गया। देखिए, आप उसका नाम क्यों लेते हैं? उससे अच्छा रिकॉर्ड तो साक्षी मलिक का है, ओलंपिक का मेडल है, कई बच्चों का, पूजा ढाणा का है, वर्ल्ड में मेडल है। लेकिन आज भारत किसी एक खिलाड़ी, कुश्ती का खेल किसी एक खिलाड़ी तक सीमित नहीं रह गया है। आज दुनिया के जो 4-5 बेहतरीन देश हैं, उसमें से भारत एक है। और क्यों लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? ये नहीं कि केवल सीनियर में मेडल आता है, सीनियर में मेडल आता है, जूनियर में मेडल आता है, 23 में मेडल आता है, कैडेट में मेडल आता है, अंडर 15 में मेडल आता है। आज भारत जो है कुश्ती का हब बन चुका है। नेताजी, यही भारत है जो कभी मेडल के लिए तरसता था कुश्ती में, कुश्ती में, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? अरे श्रेय देखिए, थोड़ी सी व्यवस्था को सुधारा गया तो थोड़ा श्रेय तो फेडरेशन को जाता है। लेकिन सरकार ने भी, दुनिया के अंदर दो ही देश हैं ऐसे जो खेल पर पैसा खर्च करते हैं पूरा, एक है US अमेरिका और एक है भारत। दो देश जितना पैसा खेल पर खर्च करते हैं या खिलाड़ियों को सुविधा देते हैं, इतना कोई भी देश सुविधा नहीं देता है। ये नोट कर लीजिए, दो देश केवल हैं दुनिया में जिनकी पूरी टीम जाती है, हर खेल में पूरी टीम जाती है, मेडल मिले या ना मिले।